We are thankful to the taxpayers who play a major role in nation building by paying their taxes. पिछले अंतरिम बजट में सरकार ने नौकरी पेशा और कम आय वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स छूट सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी थी, जिसे बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोहराया ही है। हालांकि जिनकी सालाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, वो इस छूट के दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। On small and medium income earners, as those having annual income up to 5 lakhs are not required to pay any income tax. ई व्हीकल्स खरीदने वालों को ऑटो लोन पर 1.5 लाख रुपए तक के ब्याज पर इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख की एडिशनल छूट मिलेगी, यानी 45 लाख रुपए तक का घर खरीदने पर लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट अब 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो गई है। फॉर परचेस ऑफ अफोर्डेबल हाउस वैल्यूड अप टू 45 लाख, देयरफॉर अ पर्सन परचेसिंग एन अफोर्डेबल हाउस विल नाउ गेट एन एनहांस्ड इंटरेस्ट डिडक्शन अप टू 3.5 लाख्स ऑफ रुपीज। मोदी सरकार ने भले ही टैक्स स्लैब नहीं बदला है, लेकिन सरकार ये जरूर दिखाना चाहती है कि ज्यादा कमाई वाले लोगों पर वो शिकंजा कसने को तैयार है। इसीलिए 2 से 5 करोड़ रुपए सालाना कमाने वालों पर 3% सरचार्ज लगेगा, साथ ही 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने पर 7% सरचार्ज देना होगा। इसके अलावा अगर कोई बैंक से 1 साल में 1 करोड़ से अधिक की रकम निकालता है तो उस पर 2% का TDS लगाया जाएगा, यानी सालाना 1 करोड़ रुपए से अधिक निकालने पर 2 लाख रुपए टैक्स में ही कट जाएंगे। इन व्यू ऑफ द राइजिंग इनकम लेवल्स, दोज इन द हाईएस्ट इनकम ब्रैकेट्स नीड टू कंट्रीब्यूट मोर टू द नेशंस डेवलपमेंट। आई देयरफॉर प्रपोज टू एनहांस द सरचार्ज ऑन इंडिविजुअल्स हैविंग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम 2 करोड़ टू 5 करोड़ and 5 crore and above, so that effective tax rates for these two categories will increase by around 3% and 7% respectively. बात अगर कॉरपोरेट टैक्स की करें तो 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25% कॉरपोरेट टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके तहत देश की 99% कंपनियां आ जाएंगी। साथ ही स्टार्टअप के लिए भी बड़ी छूट का ऐलान है, स्टार्टअप को एंजल टैक्स भी नहीं देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।